हेलो सर, आप अश्विन जी हैं? हाँ मैं हूँ, बोलो। सर हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। एक मिनट, तो मैं चाह रहा हूँ। सेल्समैन हो? जी सर, और मैं आपके लिए एक खास प्रोडक्ट। तुम अंदर कैसे आए? वॉचमैन ने छोड़ दिया? नहीं सर, जब मैं आया तो उन्होंने देखा नहीं। एक ही बात है, तुम्हें पता नहीं है क्या, इस बिल्डिंग में सेल्समैन अलाउड नहीं है। आते वक्त गेट पे वो बोर्ड नहीं देखा तुमने? सर देखा सर मैंने, पर मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको देने चला है। अरे भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तुम जाओ, निकलो यहाँ से। सर एक बार सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब जाओ निकलो यहाँ से। सर लीजिए मत लीजिए, पर एक बार सुन तो लीजिए। बड़े बदतमीज आदमी हो यार तुम। मैंने बोला ना एक बार मुझे कुछ नहीं लेना है ना ही कुछ सुनना है, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? अब यहाँ से निकलोगे या वॉचमैन को बुलाऊं तो डंडे खा के निकलोगे? ओके सर। सर मैं तो किसी ना किसी को अपना प्रोडक्ट बेचकर अपना टारगेट पूरा कर लूंगा सर, पर आप जिंदगी भर ये नहीं जान पाएंगे कि आपने क्या मिस कर दिया है। ठीक है जाओ। ओके सर, बाय सर। हेलो, कम आ जाओ। हाँ तो अब बताओ वो क्या ट्रिक है और वो किस काम आती है? सर ये आपको तय करना है, आप बताइए कि आपको किस चीज़ के लिए ट्रिक चाहिए। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप करके नहीं पा सकते हैं, जिसके लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता है? तुम टाइम खराब मत करो, तुम बताओ तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या है। अगर मेरे काम का होगा तो मैं लूँगा, वरना टाटा बाय बाय। सर आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपको क्या बेचने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए है, तब तक मैं आपको ट्रिक दे कैसे सकता हूँ? ट्रिक है ना सर, कोई ये धनिया पुदीना तो है नहीं। एक बात बोलो, तुम सच में मेरा टाइम खराब कर रहे हो। जब तक तुम अपना प्रोडक्ट मुझे दिखाओगे नहीं, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे वो लेना है कि नहीं? आपके पास ऑप्शन है सर, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको किस चीज के लिए ट्रिक चाहिए। जब आप मुझे बताएंगे कि आपको इस चीज के लिए ट्रिक चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको इस चीज को पाने के लिए ट्रिक को ऐसे यूज करेंगे। मतलब वही सेम ट्रिक दूसरे काम में भी आ सकती है? जी सर, तीसरे और चौथे काम में भी आ सकती है। एम आई राइट? राइट सर, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना होगा। जी सर बिल्कुल। राइट सर। गेट अप आउट। और टाइम नहीं है मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको समय की है सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक मिनट है, इसको आप कितना बड़ा करना चाहते हैं? 2 सेकंड। अब आउट, चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने बोला जस्ट गेट आउट। सुना सर मैंने, पर ये सुनने के बाद आप मुझे फिर से बुलाएंगे कि इस ट्रिक से आप कोई भी चीज इतनी आसानी से पा सकते हैं कि जैसे आप स्वप्न में पा जाते हैं, आराम से सोते हुए, मात्र अपनी इच्छा शक्ति से चाहते हैं और पा लेते हैं। इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। तुम्हें सुनना इम्पॉसिबल है। ये लाइफ सर एक स्वप्न की तरह है, ड्रीम है एक, जैसे कि आसमान नीला है नहीं पर हमें दिखाई देता है, वैसे ही दुनिया वैसी नहीं है।
जैसे कि हमें दिखाई देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैन ऑफ फेथ नहीं तो मैन ऑफ साइंस तो मैं आपको मानता ही हूं। चलो मान लिया, तुम्हारी यह थियोरी सच है, पर इससे क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? यही कि इस दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो पा रहे हैं, पर वो चीज वैसी है नहीं जैसा कि हम उसे जान रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे है हमारी चेतना शक्ति, कॉन्शियसनेस। वही है जो चाहती है, जो चाहती है वो बनाती है और उसी को पाती है और फिर उसका उपभोग करती है, उसे संतुष्ट होती है या असंतुष्ट होती है। वही मैटर है और वही मेकर, और वो चेतना शक्ति सुसुप्ति में, डीप स्लीप में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है सर। जागृत अवस्था की चेतना शक्ति से लगभग 1000 गुना ज्यादा। और अगर हम उस सुषुप्ति की चेतना शक्ति को जागृत अवस्था में ले आए तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करेंगे? ये जो सुषुप्ति की चेतना है उसे जागृत अवस्था में कैसे लाएंगे? जिसे लगता है उसके लिए इम्पॉसिबल है, उसके लिए इम्पॉसिबल है, और जिसे लगता है उसके लिए पॉसिबल है, उसके लिए पॉसिबल है। मतलब तुम्हें भी ये पॉसिबल नहीं लगा, वरना तुम यहां बैठकर मुझे अपना ये ट्रिक नहीं बेच रहे होते। ये पर्सनल मैटर है सर, बिल्कुल पर्सनल। मुझे क्या पॉसिबल लगता है क्या नहीं, वो मैं नहीं, वही चेतना शक्ति डिसाइड करती है। जैसे कि उसी चेतना शक्ति ने डिसाइड किया है कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा एक स्टोरी की जरूरत है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे एक स्टोरी की जरूरत है? एक राइटर को एक द बेस्ट स्टोरी के अलावा और क्या चाहिए होगा? बाकी सब तो वो स्टोरीज को दे देगी, नेम, फेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम जानते थे मैं एक राइटर हूं? था नहीं, चल गया। तुम्हें पता है कि मैं एक राइटर हूं और मैन ऑफ साइंस भी, तो तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होगा कि साइंस सिर्फ थियोरी से नहीं चलता, उसे प्रैक्टिकल की भी जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकल भी होगा सर। अपना हाथ आगे बढ़ाइए सर, बढ़ाइए सर। मांगने के लिए नहीं सर, और आंख बंद करके सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आराम से सोफे पर सिर टिका लीजिए। आंख बंद करके सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं। सोचते सोचते कुछ देर में आपको नींद आने लगेगी। धीरे धीरे आप गहरी नींद में, सुषुप्ति में चले जाएंगे। फिर उसी सुषुप्ति की चेतना शक्ति के साथ आप जागृत अवस्था में आएंगे, और जब आप आएंगे तब वो चीज आपकी जिसे आप चाहते हैं वो आपके सामने हो। कुछ और नहीं ले गया हूं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्राइस ले गया हूं आपके पास से, बाकी पैसे रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ठीक से फोकस किया होगा तो आपको वो चीज मिल गई होगी जिसे आप चाहते थे। अगर कुछ नहीं मिला तो ये सीख जरूर मिलेगी कि कर्म से बड़ा कोई ट्रिक नहीं होता है।
और हाँ, याद रखिएगा, एक बैंड सिर्फ एक ही ट्रिक करता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है।